मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं मानवी गोर आज अर्थ डे पर मैं कुछ कहूंगा, लेकिन सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी अर्थ डे। तो आज का मेरा टॉपिक है प्लास्टिक वेस्ट। तो आप सोच रहे होंगे प्लास्टिक वेस्ट होता क्या है। तो प्लास्टिक वेस्ट होता है जैसे कि ये बिस्किट के रैपर, चिप्स के रैपर, चॉकलेट्स के रैपर्स, वो सब प्लास्टिक वेस्ट है। और कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स, जूसेस की बॉटल्स और साथ ही साथ पानी की बॉटल्स जो आप बाहर से लेते हैं, वो सब भी प्लास्टिक वेस्ट है। तो दूसरा पॉइंट, प्लास्टिक वेस्ट के क्या क्या नुकसान है। प्लास्टिक वेस्ट के नुकसान है जैसे कि आप सड़क पे अपना चिप्स खा रहे हैं और आपने वहीं पर फेंक देंगे ऐसे ही, है ना। तो फिर आपको उसको वहां पर नहीं फेंकना है, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि जानवर को समझ नहीं होती, वो खा लेते हैं उस प्लास्टिक को और फिर वो बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उनके पेट में वो डाइजेस्ट नहीं होता और फिर वो मर जाते हैं। और सबसे बुरी बात, प्लास्टिक का कभी अंत ही नहीं है, वो कभी खत्म नहीं होगा। अगर आप उसको खत्म करने के लिए जला देंगे तो एयर में जाके सॉइल एयर पोल्यूशन करेगा, मिट्टी में गाड़ देंगे तो वो सॉइल पोल्यूशन करेगा, पानी में फेंक देंगे तो वो नदियों को खराब करेगा। इसलिए प्लास्टिक का कभी अंत ही नहीं है और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। और तीसरा पॉइंट, हम प्लास्टिक से कैसे बच सकते हैं। और अब हमारा पहला पॉइंट है प्लास्टिक से बचने का, कि जब भी आपको मार्केट जाना है तो ऐसा एक बैग लेके जाना है, कपड़े का बैग लेके जाना है आपको। बाहर से ऐसा प्लास्टिक का बैग नहीं लेना है, प्लास्टिक का बैग आप बिल्कुल मत लें। और दूसरा पॉइंट, जो आपने प्लास्टिक यूज कर लिया है तो गवर्नमेंट को ऐसी एक पॉलिसी बनानी चाहिए, जो हमने प्लास्टिक यूज कर लिया है वो उसको रिसाइकल कर दे। मुझे आशा है जो भी मैंने आपको बताया है वो आप अपनी डेली लाइफ में अपनाएंगे। थैंक यू एंड हैप्पी अर्थ डे। और मैं आज प्लेज ले रहा हूँ कि मैं अपनी मदर अर्थ को बचाऊंगा। क्या आप सभी मेरे साथ प्लेज लेते हैं ये। थैंक यू।